आपका? कमलेश मान। कमलेश मान। मान कमलेश मान जी, आप यहाँ क्यों आई हो, क्यों इतना धरना प्रदर्शन कर रही हो? ये जो हमारा SC ST एक्ट का जो कानून हटाया, इसको इसका अधिकार हमें लेने का अधिकार है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। मैं जो ये आज हमारे दलित समाज के साथ जो हुआ है, उस पर मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमारे समाज का जो संविधान सदियों से चला आ रहा है बाबा साहब का, उस संविधान को साथ छेड़खानी कर रही है, और ये छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगी महिलाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का हक, हमारा घर का हक, हमारे आने वाली पीढ़ी का हक जो भी है, सब छीना जा रहा है। तो इस अधिकार के लिए हम जब तक है लड़ाई करेंगे, और जितना संघर्ष है उतना करेंगे। अभी तो हम 14 अप्रैल के प्रोग्राम तक चुप हैं, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। आप दिल्ली की अंदर रह रही है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर रह रही है, यहाँ ऐसा देखने में नहीं मिलता है, लेकिन गांव देहात के अंदर जो आपकी बहन है, आपकी बुजुर्ग है, आपकी महिला है, उनके साथ उनका जीना दुश्वार हो रहा है। जो गुजरात के अंदर अभी एक कांड हुआ, सिर्फ एक लड़के का शौक था, सिर्फ घोड़े पे चढ़ना, घोड़े पे बैठना, उसका मर्डर कर दिया। देखो यही तो इन लोगों से हमारी ये हालत की, हम वही वक्त पे आ जाएं जो हमारे आगे हांडी रहती पीछे झाड़ू रहती। ये लोग चाहते कि हम यही करें, तो हम ये अब चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि हम जागरूक हो गए, हम अपने हक और अपनी लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। और हमारे लोगों के साथ दिल्ली में तो देखो कोई ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती, मगर अदर में अगर हमारे लोग जाते हैं, हमें प्यार से बिठाते हैं, मगर अपने साथ खड़े होने में भी ये हिचकिचाते हैं। तो इसलिए ऐसे समाज का तो साथ देने नहीं चाहिए, जो हमारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और अपने अधिकार और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। सुनीता जी, आप कह रही हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, एक तरफ आप घरों के अंदर लक्ष्मी जी को पूज रही हैं, एक तरफ आप सरस्वती जी को पूज रही हैं, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि हमारा उद्धार होगा ये देवियां। नहीं 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 नहीं, अभी 9 दिन आप लोग, आपके परिवार के लोगों ने व्रत रखा? नहीं रखा ना? नहीं आपने नहीं रखा, लेकिन समाज के लोगों ने रखा ना? समाज के लोगों ने? मैं कह नहीं सकती, समाज के लोग ज्यादातर अम्बेडकर वादी हमारे। देवी मैया ने आपको एक ऐसा एक्ट, देवी मैया ने, बाबा साहब ने, नहीं नहीं नहीं, देवी मैया ने एक ऐसा आपको एक जुमला दे दिया, जिस बाबा साहब के संविधान के तहत आप अच्छी तरीके से जी रहे थे, जो एक कवच था आपका, वो 9 दिनों के अंदर, जो 9 देवियों के व्रत रखे थे, और 21 तारीख को वो एक्ट उन्होंने रोक दे दिया सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने। नहीं, मेरे अंदर वो कवच नहीं था देवी जी का, ठीक है, मेरे साथ बाबा साहब का कवच दिया था ना, वही कवच मेरे साथ है। कहा जाता था पहले कि ढोल गंवार सुध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, आज फिर उसी बात को लेके लागू कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ, और मैं देख रही हूँ कि हमारी समाज की नारियाँ अब जागरूक हो चुकी है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन शुरू हुआ ये आगे तक चलता रहे, और हमारे जो अधिकार जो हमसे छीने जा रहे हैं वो हमें वापस दिए जाएँ। और ये दिल्ली में तो हम लोग फिर भी सेफ है, लेकिन जो बाहर हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, एक जो SC का जो एक बच्चा है उसको ये कहकर उससे उसका मर्डर कर दिया जाता है कि नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब कौन देगा? क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमारे समाज में, क्या हमारे अंदर खून नहीं है? या हमारी हमें वो मानसिकता को चेंज करना है, जिस मानसिकता के अंदर वो लोग जकड़े हुए हैं, हमें उस मानसिकता को बदलना है। हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हम भी शान से जीना चाहते हैं, हम भी समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और हमारे अधिकारों की रक्षा हो, हमारे संविधान से कोई छेड़खानी ना हो। अगर छेड़खानी करेंगे तो हम टक्कर से टक्कर मतलब भिड़ जाएंगे, हमारे संविधान से कोई छेड़खानी ना करें। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आज महिलाओं ने इस पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया, महिला बहुत तादाद के अंदर थी, आपके अधिकार छिन रहे हैं, आपका मान सम्मान छिन रहा है, और आज सारे लोग चुप बैठे हैं। ये 2 अप्रैल से जो धरना प्रदर्शन हमने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है, और 2 अप्रैल को भी किया, फिर आज भी किया। ये जब तक हमारा जो हमारा अधिकार है, SC ST का जो एक्ट है, जो उन्होंने हमारे खिलाफ किया है, जब तक वो हमारे हक में नहीं आता, हम ये आंदोलन चलता रहेगा। पहला हम 15 अप्रैल तक देखते हैं इनका, जो 15 अप्रैल तक हम इनका देखते हैं कि 15 अप्रैल तक ये क्या डिसीजन लेते हैं। अगर
नहीं आया तो फिर हम दोबारा से पूरे भारत के अंदर पूरे रोड पे, क्योंकि ये हमारे एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई है, हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे। हमारी महिलाएं, हमारा समाज बिल्कुल एक साथ है, सारा समाज एक साथ है। और एससी एक्ट का जो फर्क है, ये उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जो अदर समाज के लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, वो हमारे हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को वहाँ पर मारपीट करते हैं। इससे पहले थोड़ा बचाव था क्योंकि उन्हें डर था अगर हम एससी को छेड़ेंगे तो हम जेल में चले जाएंगे, ये हमें बंद करवा देंगे। लेकिन अब वो खुलेआम घूम रहे हमारे लोगों पर फिर हमला कर रहे हैं। इस एक्ट को हम वापस करवा के रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये समाज अब जागरूक हो चुका है। अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कल सरकार ने अपना एक पूरा प्रतिमंडल सुप्रीम कोर्ट में जाके एक याचिका लगाई है कि भाई जो हुआ ये गलत हुआ है, सब देखते देखते उनके देखते हुए ये ऐसा हुआ है। सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व थी, क्यों थी? जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का जजमेंट देती है तो उसके अंदर सॉलिसिटर सबको भेजा जाता है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का नहीं कहा। क्या नाम है सर आपका? मास्टर सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी, आप इस तरीके की जो मुहिम चल रही है पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, ये अत्याचार तो हजारों साल से हो रहा है, लेकिन संविधान से हमारे समाज को कुछ आशाएं जागी थी। संविधान बनने से, ये धाराएं बनने से हमारा समाज यानी थोड़ा सुरक्षित हो गया था, लेकिन अत्याचार बरकरार था। चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, वही वर्ग उसमें इन्वॉल्व रहा, चाहे वो बीजेपी का शासन हो, वही वर्ग उसमें इन्वॉल्व रहा। तो ये अत्याचार तो थोड़ा चलता रहा कांग्रेस के शासन में भी, लेकिन बीजेपी के शासन में जब से 4 साल हुए हैं, जो देखने को मिला है, दलितों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, दलितों पर खुलेआम यानी उनको टोंट कसे जा रहे हैं, किसी को मूछ रखने पर मारा जा रहा है गुजरात के अंदर, किसी को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जा रहा है गुजरात के अंदर, और पूरे देश के अंदर जो हो रहा है। तो मैं माननीय न्यायाधीश जी से, मास्टर जी, जब बीजेपी सरकार में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ, आप कहते हैं कि तो बीजेपी सरकार इस तरीके काम कर रही है, तो ये कौन सा विकास है? ये तो उन लोगों का विकास है जो ले लेके भाग रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश में जातिवादी मानसिकता फैला रहे हैं, जो देश में उनको धर्म के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं दिखती, ना उनको दलित दिखता, ना पिछड़ा दिखता। आप धर्म की बात करें, जब नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी स्टेचू को लेकर उनको भेंट कर आते हैं, लेकिन दूसरे देशों के अंदर गौतम बुद्ध की स्टेचू ले जाने के वहाँ से अच्छा धन इकट्ठा करके ला रहे हैं और यहीं बौद्धिस्टों से उन्हें घिरना है। हाँ जी सर, वहाँ जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध की देश से आया हूँ, मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, मैं बाबा साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं भारत के सम्मान को बहुत आदरपूर्वक उनको पवित्र ग्रंथ मानता हूँ, लेकिन यहीं आके वो मोदी और उस एनईए संविधान की धज्जी बखेरता है, संविधान में अमेंडमेंट कराता है। अगर मोदी को इतनी इस देश की ज़रूरत है तो पहले एनईए इन अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में, उनमें एनईए संशोधन करो, जो उसमें ऊट पटांग दुनिया भर की बातें, दलितों के खिलाफ, किसी को असुर, किसी को राक्षस, हमेशा से ये बोलते आए हैं। अगर मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है और वो जो जस्टिस है दीपक मिश्रा, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, तो एनईए इन संविधान, ये शास्त्र हैं इनके, इन अमेंडमेंट करा के दिखाओ, जब हम समझेंगे कि दीपक मिश्रा एनईए, ये आरएसएस का आदमी नहीं है, ये देश का एनईए पक्का भक्त है, ये देश का एनईए पक्का सेवक है। हम मोदी से भी यही विनती करते हैं, अगर हिम्मत है तो इन शास्त्रों में एनईए आपके में जो उल्टा सीधा दलितों के खिलाफ लिखा हुआ है, इनको अगर ख़त्म नहीं करोगे तो हजारों साल तक एनईए दलितों के साथ ये अन्याय होता रहेगा। मास्टर जी, इनको लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। जी सर, उसका एनईए एक कारण है, इन लोगों ने हजारों साल से इनको एनईए शिक्षा से अपेक्षित रखा है, और कांग्रेस ने भी यही किया है, थोड़ा कम किया है लेकिन किया है। अगर शिक्षा इनको अच्छी मिलती, इनको अगर अच्छी शिक्षा मिलती, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में अच्छे टीचर रख रहे हो, अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, उनके पास पैसा है, वो पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन गरीबों की शिक्षा छीनी जा रही है स्कूलों में से, गरीबों को अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, उनको सुविधा नहीं मिल रही। अच्छा जी, ऐसे ही छीनेंगे जब तक आपका समाज सोता रहेगा, तो इसी तरीके से छीनते रहेंगे, आप इसको रोक नहीं पाओगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सत्यपाल भारती जी। सत्यपाल भारती आप सत्य भी बोलते हैं और भारती भी हैं जी, आपके अधिकार छिन रहे हैं तो आप चुप हैं जी? ये 85-15% की लड़ाई लड़ेंगे हम, 85-15% की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये तो मंच के डायलॉग रह गए, 85-15% का लड़ेंगे, ये संविधान के साथ नहीं कर रहे 85% लोग, संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारी माँ बहन
रोड पर उतर जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो एक फिल्म का ट्रेलर है ये। हम बताना चाहते हैं मोदी जी को, अभी तो एक फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म बाकी बनना रिलीज होने बाकी है अभी। क्यों हमें पार्लियामेंट जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का घेरा करेंगे? हम अभी शांत नहीं बैठेंगे, अपने देश के पीछे, अपने बाबा के पीछे हम कुर्बानी दे देंगे। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने वजीफा दिलाया, बाबा साहब ने नारी को सम्मान दिलाया, बाबा साहब ने जो कहा है हम उसको उसके ऊपर अमल करेंगे। और बाबा साहब पीछे हम, बाबा साहब ने 500 बच्चों की कुर्बानी दी और बाबा साहब के संविधान के अंदर कुर्बानी रखी है। बाबा साहब 500 बच्चे जीवित जो उसके अंदर है किसी को पता नहीं है। जय भीम जय संविधान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम रुकिएगा मास्टर जी, जोश में होश नहीं खोना चाहिए कि उन्होंने जो बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी थी उस कुर्बानी को कोई भी नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम इसको कैसे बचाएं। सर आपका नाम? मेरा सर विनोद कुमार नाम है सर जी। विनोद जी, आज की बड़ी एक विडंबना है, एक घाव ठीक नहीं होता फिर दूसरा घाव दे दिया जाता है, क्या मनी इच्छा है इन लोगों की? इन लोगों की सर मन इच्छा ये है कि जो हमारे बहन भाई जो हैं, माँ बहन जो बच्चों को पढ़ाती थी लिखाती थी, उनकी फीस माफ़ थी, स्कूल से वर्दी मिलती थी, कापी किताबें मिलते थे, उन लोगों को आज बंद कर दिया, वजीफा मिलता था। आज के टाइम में इन बच्चों को कोई नहीं देख रहा, इसलिए ये अपने हक के लिए कह रहे हैं कि ये कोई नेतागिरी का काम नहीं है, ये हक के लिए, अपने हक के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे को अब तक चला है वो आने वाले पीढ़ी आगे तक यही चलता रहे।